महिला कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती रेणुका कुमार जी, सचिव संस्कृति विभाग श्री जगतराज जी, सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग श्री जेपी सागर जी। और आज के इस कार्यक्रम में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और बेगम अख्तर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली सभी महानुभाव एवं बहने, आज यहां पर महिला एवं बाल विकास विभाग और संस्कृति विभाग के द्वारा जो इस सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मैं यहां पर उपस्थित आप सभी बहनों का और बेगम अख्तर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो महानुभाव हैं, पंडित धर्मनाथ मिश्र जी, उस्ताद सखावत हुसैन खान जी, इन सब का यहाँ पर अपनी सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। यह हम सब के लिए एक बहुत प्रसन्नता का क्षण है कि एक साथ 147 से अधिक बहनों का यहाँ पर आज रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। इस सम्मान केवल अपने और पराये के अनुसार चुनकर के आई हुई बहने नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र में जिन्होंने कुछ विशिष्ट योगदान किया है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, और जिनके योगदान से उस समय उस क्षेत्र के लोगों को या समाज को एक नई प्रेरणा प्राप्त हुई है। स्वाभाविक रूप से जब हम लोग किसी क्षेत्र में महिलाओं को सम्मानित करते हैं तो वह समाज स्वयं में अपने आप को सम्मानित महसूस करता है, क्योंकि भारतीय समाज ने तो सदैव से मातृशक्ति का जो भाव देखा है अपनी धरती माता के लिए, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का भाव इस धरती माता के लिए हम सब ने व्यक्त किया है, नदियों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, और इस पवित्रता का जो भाव है, लेकिन समय के अनुरूप कहीं ना कहीं जब भौतिकता व्यक्ति के सामने उसको देखने को मिली तो उसने भेद करना प्रारंभ किया और उस भेद का दुष्परिणाम सामने भी हमारे है। लेकिन आज भी हम लोगों ने इस बात का अनुभव किया है, पिछले वर्ष जब उत्तर प्रदेश में माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम सामने आए थे तो मैंने समय माध्यमिक शिक्षा विभाग से इस बात को कहा था कि जो भी इसमें हमारे मेरिटोरियस छात्र हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के, ऐसे टॉप 10 छात्रों को यहां पर सम्मान किया जाना चाहिए। तो दोनों हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाओं में 147 ऐसे बालक बालिकाएं थीं जिन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर मेरिट में प्रथम 10 स्थानों में जो आई थी, और मुझे देख करके अत्यंत प्रसन्नता हुई थी कि 147 में से 99 केवल बालिकाएं थीं।
यानी कितना भी भेदभाव क्यों ना हुआ हो, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, उस मेरिट में स्थान बनाया और 99 में से 147 में से 99 बालिकाओं ने उस मेरिट में स्थान बना करके पुरस्कार प्राप्त किया, उन्हें इस मंच ने सम्मानित किया था। स्वाभाविक रूप से वह भाव दिखना चाहिए, वह लगना चाहिए, और आज यही कारण है कि इस देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान पूरे देश के अंदर चलाया था, क्योंकि आज भी एक संकीर्ण मानसिकता है और हम इस बात को देखते हैं। मुझे प्रसन्नता है एक वर्ष के दौरान थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना है इस क्षेत्र में। खासतौर पर अभी भी प्रदेश के कुछ जनपद हैं जहां पर बालिकाओं के साथ भेदभाव की शिकायतें आती हैं, वहां पर लिंगानुपात में जो अभी भी विषमता देखने को मिल रही है उसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है, लेकिन ये सुधार केवल सरकार के आह्वान पर ही नहीं होगा बल्कि स्वयं महिलाओं को ही इसके लिए आगे आना होगा। अक्सर मैं इस बात को सुनता हूं कि परिवार में बालिका जन्म लेती है तो उसमें सबसे पहली जो टिप्पणी होती है वो घर की दादी, मानसिकता को बदलना पड़ेगा। बालक हो या बालिका, मुझे लगता है एक समान व्यवहार अगर उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए होता है तो एक अच्छा कार्य किया जा सकता है, एक अच्छी दिशा में व्यवस्था चल सकती है। व्यापक जागरूकता पैदा किए जाने की आवश्यकता है, व्यापक लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, और उस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं इसमें मैं देख रहा था जो सूची यहां पर अभी मेरे पास आई है, जिसमें यहां पर मैं देख रहा था कि जिन लोगों को आज यहां पर घर की दादी की होती है कि आखिर आ गई, तो मुझे लगता है कि उस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। बालक हो या बालिका, मुझे लगता है एक समान व्यवहार अगर उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए होता है तो एक अच्छा कार्य किया जा सकता है, एक अच्छी दिशा में व्यवस्था चल सकती है। व्यापक जागरूकता पैदा किए जाने की आवश्यकता है, व्यापक लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, और उस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं इसमें मैं देख रहा था जो सूची यहां पर अभी मेरे पास आई है, जिसमें यहां पर मैं देख रहा था कि जिन लोगों को आज यहां पर इस रानी लक्ष्मी बाई वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, इसमें अगर उन सब की बारे में हम लोग पढ़ेंगे काफी समय लगेगा, लेकिन एक मऊ जनपद मऊ दोहरी घाट से श्रीमती सिंधु के बारे में है कि वह कतनिया घाट संरक्षित वन क्षेत्र के निशानगाड़ा रेंज में ग्राम रमपुरवा वनकटी में अपने मायके गई हुई थी, किसी तेंदुए ने उनकी बेटी पर हमला कर दिया और मां तेंदुए से भिड़ गई, बच्चे को सुरक्षित करके लेके आई। यानी आप देख सकते हैं कि कैसे एक मां तेंदुए से भिड़ करके भी अपने बच्चे को सुरक्षित, सोनिया श्रीमती सुनीता सुश्री दिलप्रीत कौर मनप्रीत कौर कालदा सुश्री वर्षा चौधरी श्रीमती विजेता श्रीमती सावित्री श्रीमती जीनत ये सेवा कुंज आश्रम सोनभद्र के
क्षेत्र में आश्रम के माध्यम से जो कार्य वहां पर चल रहा है, एक कुमारी तान्या वाराणसी से पूजा मेलो, सुश्री सालनी, सुश्री दीप्ति शर्मा, सुश्री पूनम यादव, फूल कुमारी उर्फ जूली पांडे, श्रीमती आशा देवी, श्रीमती चंदा देवी, मोहम्मद कलाम, सुश्री नंदनी दिवाकर, कुमारी काजल, सुश्री सुषमा वर्मा समेत ऐसी तमाम उन बहनों की एक लंबी एक सूची है जिन्होंने वास्तव में अपनी वीरता के कारण एक वीरंगना बन करके लोगों के जीवन में उनको सुरक्षा का भाव पैदा करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। आज के दिन पर इसकी बड़ी आवश्यकता है और इसीलिए जो मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले आकर के जो अभियान चलाया था वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का चलाया था। उसके बाद इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, मलिन बस्तियों में, पिछड़ी बस्तियों में रहने वाली उन महिलाओं के बारे में जिनके पास रसोई गैस का चूल्हा नहीं था, उन लोगों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से पहले चरण में 5 करोड़ और उसके बबाद इस संख्या को बढ़ा करके 8 करोड़ ऐसे परिवारों को निशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन देने की कार्रवाई प्रारंभ करने की बात कही। आप अनुमान करिए कितना परिवर्तन होता है। हम लोग गांवों में जाते हैं, इस बात को देखते हैं, कम उम्र में 35-40 वर्ष की उम्र में ही उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, मोतियाबिंद की शिकार हो जाती हैं, आंख की रोशनी चली जाती है। अब सोचिए जिसकी आंख की रोशनी चली जाए किन परिस्थितियों से उसे सामना करना पड़ता है, और फिर गरीबी अलग से हो लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन करने के लिए, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उनके लिए लागू कर दी गई। अनेक ऐसे कार्यक्रम उन लोगों के लिए प्रारंभ किए गए। शासन की योजनाएं अगर ईमानदारी के साथ पात्रों तक पहुंच जाएं, तो बहुत सारे लोगों के जीवन स्तर को उठाया जा सकता है, उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि जो इस लक्ष्मी बाई से कम महिला ग्राम प्रधान है वो तय करें। हम अपने गांव को स्वच्छ और सुंदर बना के रखेंगे। उनको संकल्प करना चाहिए कि हम अपने गांव में पूरी तरह शराबबंदी को लागू करेंगे, किसी को कच्ची शराब नहीं बनाने देंगे, किसी को शराब पी करके गांव में उदंडता नहीं करने देंगे। कल पद्म पुरस्कारों से सम्मानित एक कार्यक्रम राजभवन में था। आगरा की एक बेटी नाजिया को
भारत सरकार ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया था और पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्मीबाई पुरस्कार से उसे सम्मानित किया था। वह बालिका बीए की छात्रा है, लेकिन उस बालिका ने अपने मोहल्ले में पहले उस मोहल्ले में एक बालिका का अपहरण करने के लिए कुछ माफिया तत्व आए थे। वह बालिका अकेले भिड़ करके उस बालिका की रक्षा कर दी थी, नहीं उसने अपहरण होने दिया था। और फिर उस मोहल्ले में जुआ खेला जाता था, वह बालिका अकेले उसके खिलाफ लड़ी। थाने के लोग सहयोग नहीं कर रहे थे, थाने में ही धरने में बैठ गई और थाने में धरने में बैठ करके अंततः पुलिस को मजबूर होना पड़ा। आज वहां से माफिया तत्व साफ हो गए हैं, आज वहां पर कोई जुआ नहीं खेल सकता है। आप सोचिए कि किसी परिवार में एक व्यक्ति अगर जुआ खेलता है तो पूरा परिवार तो तबाह हो जाता है, एक साथ पांच लोग तबाह होते हैं। किसी परिवार में एक व्यक्ति शराब का आदि हो जाता है, नशे का आदि हो जाता है, अकेले वह व्यक्ति नहीं मरता बल्कि अपने साथ पांच सात लोगों को भी लेकर के जाता है और फिर उसका दुष्प्रभाव जितने लोगों पर पड़ता होगा उसकी कीमत भी समाज को चुकानी पड़ती है। समाज में कहीं कोई गंदगी है, समाज में अगर कोई कुरूती है, कोई रूढ़िवादिता है, उससे केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि अंततः पूरी क्षति समाज की होती, अपूर्णीय क्षति होती है। और उस अपूर्णीय क्षति से बचाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन आप सबके माध्यम से हो सकता है। और इसलिए हम लोग आह्वान करेंगे कि हमें उसमें व्यापक परिवर्तन, विकास के लिए पैसा जाता है। आप सोचिए कि इस समय गांवों में विकास के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है, शासन भी पैसे की कमी नहीं आने देना चाहती है। विकास की दोहरी को हम गांव में पहुंचाना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है ग्राम स्वराज के उस सपने को साकार किया जाए जो गांधी जी ने देखा था, लेकिन यह सपना केवल सपना ही नहीं रहना चाहिए, वास्तविकता में बदलना चाहिए। आज हम हर कार्य को सरकार के भरोसे करना चाहते हैं, जब सरकार आएगी तब सफाई करेगी। क्या हम गांव में ऐसी सामुदायिक भावना पैदा नहीं कर सकते कि गांव के सभी लोग मिलकर के अपने गांव में स्वच्छता का अभियान सप्ताह में एक दिन तो जरूर करें। गांव में हम लोग कहीं जल जमाव नहीं होने देंगे। गांव में आवंटित होने वाली धनराशि कोई ग्राम प्रधान हो, कोई क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का सदस्य हो, कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, या कोई मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि वह उसका मालिक हो गया, वो कुछ समय के लिए आया है। लेकिन एक सामुदायिकता का भाव कि हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएं। गांव में प्रधान एक होगा, आप उसके प्रति सम्मान का भाव पैदा करिए, उनके साथ बैठिए और उनसे कहिए कि हम गांव में अपने गांव को हमें स्वच्छ और सुंदर बना के रखना है, गांव में विकास का जो पैसा हो और बैठ करके तय हो कि किन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर ग्राम पंचायत स्वयं कर सकती है, कौन से कार्य क्षेत्र पंचायत के लिए भेजने चाहिए, कौन जिला पंचायत को भेजने चाहिए, किन कार्यों के लिए हमें विधायक से संपर्क करना चाहिए, किस कार्य के लिए हमें सांसद से संपर्क करना चाहिए। और फिर इन कार्यक्रमों को अगर हम आगे बढ़ाएंगे उसके परिणाम भी बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन वह सामुदायिकता का भाव विकास के कार्यों के प्रति हमारे मन में नहीं है और इसका कारण है कि विकास का पैसा होने के बावजूद उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है, लोग उससे वंचित रहते हैं, अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। गांव में हम लोग जाते हैं देखते हैं प्रदेश सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में राशन है, लेकिन जो पात्र लोग हैं उनके पास राशन के कार्ड नहीं हो पाते हैं। अगर कोई गांव में निराश्रित है, हमारे आसपास कोई निराश्रित है, कोई कमजोर है, कोई गरीब है, कोई वंचित है, आखिर शासन की योजना का लाभ उस तक क्यों ना पहुंचे? क्या हम कर सकते हैं कि हर गरीब के पास अंत्योदय या पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड होना ही चाहिए और उस तक राशन उसे मिले ही? इस बात के लिए क्या हम आसपास के क्षेत्र को विवश कर सकते हैं? ये हमें करना चाहिए, थोड़ा प्रयास कर देंगे आमूलचूल परिवर्तन दिखेगा। लेकिन जब कोई अभाव से मरता है, गरीबी से मरता है, भूखमरी से मरता है, तो मौत तो एक ही होती है,
तो लोग भवन से सीधे आप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर।